एनडीटीवी इंडिया पर हम और आप पिछले कई समय से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर बात करते आ रहे हैं। ये हम समझने और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर इस परिवर्तन से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है। देश के कई इलाकों में तेज और लगातार हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है, तो आज हम अपने ग्राउंड रिपोर्ट में देखेंगे कि कैसे हिमालय में ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से वहां झील बनते जा रहे हैं, जिससे ग्लेशियर्स का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। पता चला है कि इस वक्त उच्च हिमालय क्षेत्र में 1200 से ज्यादा झीलें बन चुकी हैं, जो कि चिंताजनक है। जिस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, इस तरह से हिमालय को थर्ड पोल भी कहा जाता है, साथ ही एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। हिमालय से सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र और कई नदियां और जलधाराएं निकलती हैं, जो जीवन देती हैं। लेकिन इस हिमालय क्षेत्र की सेहत लगातार खराब हो रही है। पिछले 2 दशकों से लगातार पर्यावरण में हो रहे बदलाव ने हिमालय पर सीधा प्रभाव डाला है, और इस पर्यावरण में हो रहे बदलाव की वजह कोई और नहीं बल्कि मानवीय गतिविधियां, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों में साल दर साल लग रही आग और गाड़ियों से निकलते धुएं में मौजूद कार्बन पार्टिकल इसके लिए जिम्मेदार हैं। उस क्षेत्र में जहां पर सिर्फ बर्फ होनी चाहिए, वहां पर अब पानी भी मौजूद है, और पानी बर्फ का सबसे बड़ा दुश्मन है और तेजी से बर्फ को पानी पिघलाता है। ग्लोबल वार्मिंग का है ये, तो जिसका मेन इफेक्ट जो है सरफेस सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है और विंटर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो ये जो है ग्लेशियर के लिए बहुत हानिकारक है, ग्लेशियर डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि सब चीज देखो अगर आप ग्लेशियर में देखते हैं कि जो हमें जो है विंटर स्नोफॉल मिलता है वो बहुत कम मिल रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि हमारा जो है समर पीरियड जो है एक्सटेंड कर चुका है, क्योंकि हमारा 15 से 20 दिन का जो है चेंज हो चुका है। उत्तराखंड में मौजूद वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने केदारनाथ की आपदा के बाद सर्वे किया था। इस सर्वे में पाया गया कि हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे ग्लेशियर पर झील बन रही है। ग्लेशियर पर बनने वाली झील को सुपरा झील कहते हैं। इस तरह की झीलें उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हैं। यह झीलें 10 से 20 मीटर तक पाई गई हैं। ये झील ग्लेशियर के ऊपर बनती है और यह खुद ही बनती है और खत्म भी हो जाती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इनमें कई झीलें ऐसी भी हैं जो ग्लेशियर से खुद ब खुद रिस रही हैं, यानी इसका पानी बाहर निकल जाता है। लेकिन जो ग्लेशियर्स के आगे जो लेक बनती है वो लगभग जो है उत्तराखंड के अंदर 350 और 360 लेक है, जिनको बोलते हैं प्रो ग्लेशियर लेक में जो ग्लेशियर्स के आगे बनती है। और मैक्सिमम जितना भी नुकसान हुआ है वो अभी तक जो भी ग्लोब ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट की हम बात करते हैं, जो आपका नेपाल में या भूटान में जिस रीजन में बड़ी तबाही होती है, या फिर 2013 में जो केदारनाथ में जो तबाही हुई थी चोराबाड़ी लेक थी, तो ये लेक कभी कभी खतरनाक होती है। और जो सबसे खतरनाक होती है जो ग्लेशियर के आगे से बनती है ग्लेशियर स्नोट, क्योंकि उसमें पानी का बहाव, उसको पानी का सोर्स बहुत मिलता है। जो जितने मेल्ट पानी मेल्ट होकर आता है वो उस लेक में को बनाने में योगदान करता है। उत्तराखंड में 1200 से ज्यादा झीलें 20% ही खतरनाक है। लगभग 350 प्रो ग्लेशियर झीलें खतरनाक है, जो ग्लेशियर के मोरेन यानी ग्लेशियर के आगे बनती हैं। नेपाल, तिब्बत, भूटान में ज्यादा खतरनाक ग्लेशियर झीलें हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पर झीलें बन रही हैं। वजह ग्लोबल वार्मिंग, बारिश का उच्च हिमाचल क्षेत्र में होना, ब्लैक कार्बन पार्टिकल का ग्लेशियर पर पहुंचना, हिमालय क्षेत्र में जंगलों में आग लगना। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी छोटे बड़े सैकड़ों ग्लेशियर हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है, लेकिन इन सब उत्तराखंड के ग्लेशियर में छोटी बड़ी ग्लेशियर पर झीलें बन रही हैं। इसलिए ग्लेशियर के ऊपर बनी झीलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो झीलें भविष्य में खतरा बन सकती हैं, फिलहाल ऐसी झीलों पर सेंसर रिकॉर्डर, रडार और हाई रेजोल्यूशन कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है। इसलिए लकी हम बोल सकते हैं कि हमारे जो प्रो ग्लेशियर लेक मैक्सिमम जो बनी हुई ग्लेशियर में, उनका स्लोप जो है जिस रीजन में बना उस रीजन में स्लोप कम है उनका, यानी 1 से 2 डिग्री के लगभग स्लोप है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा तो टूटने की संभावना इनकी कम होती है। और साथ में क्या है कि जो वैली है बहुत वाइड है, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी प्रो ग्लेशियर लेक टूटती है या तो उनके ऊपर जो है किसी चीज का हिट होता है, जैसे एवलांच हिट होता है, या ऊपर से रॉक फॉल या डेब्री फॉल होता है, जिसकी वजह से लेक टूटती है। हिमालय पे दो तरह से खतरा मंडरा रहा है, एक तो बर्फ कम पड़ रही है, दूसरा हिमालय के ग्लेशियर पर झीलें बन रही है। इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी चक्र में बड़ा बदलाव है, इसलिए हिमालय में छेड़छाड़
बंद करनी होगी और विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण का पूरा ख्याल रखना होगा। नहीं तो आज आप जहां बड़े बड़े ग्लेशियर देख रहे हैं वहां झीलें मिलेंगी जो ना तो हिमालय के लिए सही है और ना ही मानव समाज के अस्तित्व के लिए। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ दें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स ताजे पानी का स्रोत होते हैं और एशिया में करीब 9 नदियों का स्रोत भी है, यानी दुनिया की एक तिहाई आबादी की ये लाइफलाइन है। ऐसे में अगर ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो इससे नदियों के बहाव में असर हो रहा है, पीने के पानी में, बायोडायवर्सिटी में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, कृषि क्षेत्र में और बाकी इंडस्ट्री पर भी धीरे धीरे असर बढ़ता जाएगा।